बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। सोशल एक्टिविस्ट और सामाजिक पत्रकारों के व्हाट्सएप मैसेज मैसेंजर कई लोगों की खुफिया जासूसी के मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो चुके हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव दोनों ने मिलकर ट्विटर अकाउंट से जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। बीएसपी चीफ मायावती ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सरकार जासूसी करवाती है, ये कोई रहस्य की बात नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों व मूलभूत अधिकारों के लिए कोर्ट कचहरी में लड़ने वालों के खिलाफ भी जिस प्रकार से अवैध व निरंकुशता वाली जासूसी अपने देश में ही किए जाने का रहस्य उद्घाटन हुआ है, ये बहुत ही दुखद व थी चिंता की बात नजर आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आगे लिखा है कि इससे ये भी साबित होता है कि गरीब मजदूरों और शोषितों आदि के हक व इंसाफ की लड़ाई लड़ना कितना जोखिम भरा काम होता है। उन्होंने लिखा है कि बीएसपी के इस संकट पूर्ण माहौल में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्म सम्मान व स्वाभिमान के कार्मिक को आगे बढ़ाने के लिए संघर्षरत है, ये कोई मामूली बात नहीं हो सकती। इसी के साथ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से विदेशी कंपनी द्वारा जासूसी किए जाने की खबर बहुत संवेदनशील व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चुनौती का विषय है, ये लोगों की निजी जिंदगी में जाने का एक दुस्साहस है, इस विषय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का खुलासा होना चाहिए। आपको उन्होंने लिखा है कि भाजपा के समर्थक इससे विरोध में हैं। आपको बता दें पिछले दिनों व्हाट्सएप के द्वारा ये खुलासा किया गया था कि कई पत्रकार कार्यकर्ता और कई लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेज मैसेंजर पर सरकार निगरानी रख रही है। एपीवी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। कहीं महापुरुषों की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं, कहीं नाम बदले जा रहे हैं और शेयर करते रहिएगा। साथियों शेयर करते रहिएगा वीडियो।